हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 2 मैथ्स का पॉलिनोमियल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। होप्स हो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एंड xy इज इक्वल टू 15, देन फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें दो कंडीशन गिवन है, दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एंड xy दिस इज 50, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज 2x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 18 होल स्क्वायर। स्टूडेंट, स्क्वायर क्यों किया हमने? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को देखें, उसका स्क्वायर करते हैं, तो 2x स्क्वायर दिस इज 4x स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर दिस इज 9y स्क्वायर। जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स मिल रही है। इट मीन्स हम स्क्वायर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड दिस इज 2x प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a इज 2x एंड b इज 3y। तो फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, दिस इज 324। 2x स्क्वायर ओपन करते हैं, दिस इज 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर दिस इज 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 दिस इज 12xy दिस इज 24। अब हम देखें कि जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इस तरीके के टर्म्स हमें मिल चुके हैं, बस हमें ये 12xy यहाँ से हटाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12। xy की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 15 दिस इज 324। सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 12 इंटू 15 दिस कम्स 180 324। पॉजिटिव टर्म उधर जाएगा, तो दिस इज 324 माइनस 180, और यहाँ से आंसर आएगा 4 4 एंड 1। तो हमारे पास 4x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है 144। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ एक बार फिर से, 2x प्लस 3y 18 गिवन था और xy 15, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन का हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट हैंड साइड 18 का स्क्वायर दिस इज 324। सॉल्व किया हमने तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू 144 निकल का आई। नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b का होल क्यूब प्लस 2b माइनस 3c होल क्यूब प्लस 3c माइनस a होल क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बिना फॉर्मूला यूज़ किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था 2.5 में, कंडीशन गिवन थी इफ़ x प्लस y प्लस z तीन टर्म्स का सम जीरो आता है तो इन तीनों टर्म्स के क्यूब्स का सम, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिस इज 3xyz। ये हमने सॉल्व भी किया है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो, देन द क्यूब ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ थ्री टर्म्स इज 3xyz। तो क्वेश्चन को कुछ इसी फॉर्म में हमें गिवन है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें, देन लेट एक्स इज a माइनस 2b एंड y इज 2b माइनस 3c एंड z इज 3c माइनस a। लेट कर लिया x, दिस इज y 2b माइनस 3c एंड z इज 3c माइनस a। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तब हम इस वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो पहले हम अपनी फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 3c प्लस 3c माइनस a। पॉजिटिव a कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव a से,
और नेगेटिव टू बी कैंसिल आउट हो जाएगा पॉजिटिव टू बी से, और नेगेटिव थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा पॉजिटिव थ्री से। यहाँ हम चेक करें कि हमारे तीनों टर्म्स का सम किया तो हमें ज़ीरो मिल रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल कर गई, तो हम सेकेंड कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स, दिस इज़ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू विच इज़ इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड। हमारे ओरिजिनल टर्म्स x की जगह दिस इज a माइनस टू बी होल क्यू प्लस टू बी माइनस थ्री सी होल क्यू प्लस थ्री सी माइनस ए होल क्यू विच इज इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स ए माइनस टू बी एंड b दिस इज टू बी माइनस थ्री सी एंड जेड इज थ्री सी माइनस ए। तो हमारे यहाँ से आंसर निकल के आया थ्री ए माइनस टू बी, टू बी माइनस थ्री सी एंड थ्री सी माइनस ए। इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये घर से घर के लिए होमवर्क है आपके लिए एक बार। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने सॉल्व किया दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इज थ्री एक्स वाई, और सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया। इसको हम यहीं पर भी लेफ्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहते हो तो दिस इज आना चाहिए आपको सॉल्व करना। a माइनस टू बी का मल्टीप्लाई पहले हम इस टर्म से करेंगे 2b माइनस थ्री से, तो हमारा कुछ इस तरीके का टर्म आएगा a का मल्टीप्लाई 2b से दिस इज 2ab, a का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से माइनस 3ac, माइनस 2b का मल्टीप्लाई बोथ टर्म से दिस इज 4b स्क्वायर, और माइनस 2b का मल्टीप्लाई माइनस 3c से माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 जा 6 bc। थर्ड वाला ब्रैकेट एज इट इज 3c माइनस a। अब इन चारों टर्म्स का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से किया जाएगा, तो पहले 2ab का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से किया तो 6abc एंड माइनस 2a स्क्वायर भी आया, माइनस 3ac का मल्टीप्लाई 3 से किया दिस इज माइनस 3ac स्क्वायर। नो स्टूडेंट्स, माइनस 3ac का मल्टीप्लाई 3 से किया दिस इज दिस कम्स 9ac स्क्वायर, माइनस 3ac का मल्टीप्लाई माइनस a से किया माइनस माइनस प्लस 3ac स्क्वायर। नाउ 4b का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3c से करेंगे तो 4 थ्री जा 12 बी स्क्वायर सी एंड माइनस 4b का स्क्वायर हम माइनस a से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 4ab स्क्वायर। लास्ट टर्म 6bc का मल्टीप्लाई 3c से किया तो 18bc स्क्वायर, और 6bc का मल्टीप्लाई माइनस a से किया तो माइनस 6abc। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो टर्म हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा दिस इज 3 माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 9ac स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर c माइनस 12b स्क्वायर c प्लस 4ab स्क्वायर एंड प्लस 18bc स्क्वायर। दिस इज द आंसर। दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बिना क्यूब कैलकुलेट किए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो स्टूडेंट ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, अगर तीन टर्म्स का सम जीरो आ रहा है तो हम उनके तीनों टर्म्स के क्यूब का सम डायरेक्ट थ्री एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो लेट किया हमने एक्स, ये था वाई, ए और ये जेड हमारा। हमने पहले कंडीशन को चेक किया, एक्स वाई प्लस जेड हमारा जीरो आया, देन हमने सेकेंड कंडीशन को यूज़ करके अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, दिस इज 3xyz एंड आंसर हमारा निकल के आया दिस। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन।